तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के दायरे में विकास के मुद्दे जनता में सियासी दलों के प्रति रोष बना हुआ है। सड़क, पानी, पर्याप्त बिजली ये प्रमुख मांगे हैं। यहां सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। मौजूदा सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। हालांकि 1999 से 2009 तक कांग्रेस को इस सीट पर कामयाबी मिली है। पेश है ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेश से मौजूदा सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। वे 2014 और 2019 में यहां से जीती हैं। चंडीगढ़ में 1999 से 2009 तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल सांसद थे। यहां के लोगों की शिकायत है कि किसी भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ खास नहीं किया। मांग तो देखो जी, हम तो देखो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला, ना मोदी सरकार ने दिया, ना कांग्रेस सरकार ने दिया, ना घर है ना दुकान है, सब रेंट पे है ना। बाकी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, लोगों को कामकाज मिलना चाहिए। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड चिंता का मुख्य विषय है। सबसे पहले तो यही है कि रोड सही हो, और उसके बाद ये डंपिंग ग्राउंड है, इसकी स्मेल इतनी आती है कि हद से ज्यादा, और ऊपर से अभी एक और पता नहीं क्या खुला, उससे और ज्यादा स्मेल हो गई है यहाँ पे, जिससे कि ये है कि सांस लेने में भी दिक्कत ही आती है यहाँ पे। बिजली और पानी के भारी भरकम बिल को लेकर भी लोगों में भारी असंतोष है। पानी की इतनी समस्या है, पहले यहाँ बिल नॉर्मल आया करते थे बिल, अब ये लगा लो घर में हर बिल कोई 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे आता है बिल, बिजली के बिल का पूरा वो है। और फिर रोड समस्या पूरी है चंडीगढ़ के अंदर, हमारी कॉलोनी के अंदर पूरी समस्या है, और सबसे बड़ी तो डंपिंग ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये लगा लो छोटे बच्चे भी है, जो आज की डेट में बर्थ हो रहे हैं उनके, मतलब बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं। यहाँ के वोटरों को संपत्ति कर और स्ट्रीट वेंडरों से जुड़ी नीतियों को लेकर भी शिकायत है। ये जो टैक्स लगा रहे हैं, दुकान के टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, कांग्रेस ने दिए हैं, तो झुग्गी वालों जैसे छोटे मकान का अलग टैक्स है, दुकान का अलग टैक्स है, टैक्स में टैक्स है। पानी का बिल 2829 रुपए भरे ना कोरोना में 2829 रुपए हमने बिल भरे, छूट तो है नहीं, ज्यादा ही वो हो रही है, ओवर चार्जिंग शो भी करो। मुझे वो लोग रोजगार चाहिए आपको करने के लिए, लोग रेड़ी फली वाला का परेशानी हो रहा है, जिसका लाइसेंस है उसका व्यवस्था नहीं मिल रहा है, और रोड बहुत यहाँ डड्डू मजा का बहुत खराब है। यहाँ विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए, और क्या चाहिए गरीब आदमी को, गरीब को थोड़ा सहारा मिलना चाहिए। युवा वोटरों को शिक्षा के बेहतर बुनियादी ढांचे की उम्मीद है। वोटर युवाओं में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की समस्या से निपटने की भी मांग करते हैं। आई फील लाइक द नाइट लाइफ एंड ड्रग्स बहुत ज्यादा ओवरली यूज हो रहा है, एंड आई फील लाइक कि यूथ को एजुकेशन देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। राजनीतिक दलों ने अभी तक चंडीगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। चंडीगढ़ में करीब 6,70,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें 3,35,000 पुरुष और 2,12,000 महिलाएं हैं।